दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल गुरबिंदर होम पर। दोस्तों आज हम बहुत ही शानदार सा घर देखने आए हैं मोहाली के प्राइम एरिया सेक्टर 125 मोहाली के अंदर, और ये आज का घर जो है कॉर्नर का घर है। और दोस्तों थोड़ी सी जगह आपको जो है जानी पहचानी लग रही होगी, क्योंकि हम यहाँ पर पहले भी एक शूट कर चुके हैं। बिल्कुल ये वाला घर 152 स्क्वायर यार्ड्स का घर है, ये 85 लाख के अंदर। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो इसका लिंक हम यहाँ पर नीचे दे देंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज का घर जो है हमारा 24 फीट का फ्रंट रहेगा और जो डेप्थ रहेगी इसकी 52, और साइड प्रोफाइल इसकी बहुत ही शानदार है। बढ़िया डिज़ाइन बहुत अच्छा दिया गया है। साइड में दो आपके जो है विंडोज़ आ जाती हैं जो कि डार्क ग्लासेस हैं, ताकि अंदर बहुत ज़्यादा लाइट ना हो, गर्मी ना लगे अंदर। और साइड पर आपके जो है टाइल्स के साथ पूरा कवर किया है, अच्छा डिज़ाइन। और एरिया पूरा डेवलप्ड है, लोग यहाँ पर रह रहे हैं। दोस्तों ये है हमारी फ्रंट प्रोफाइल, फैमिलीज यहाँ सारी जगह रह रही हैं, और इजी हो जाता है जब आसपास फैमिली सारी रह रही हो, एक अच्छा डेवलप्ड एरिया हो तो रहना इजी होता है। दोस्तों पार्किंग हमारी काफ़ी अच्छी है, इजीली हमारी जो बड़ी गाड़ी होती है 3 बॉक्स कार या फिर SUV यहाँ पर आराम से लग सकती है। फ्रंट जितना भी है सारा टाइल्स के साथ कवर किया गया है, नीचे से लेकर ऊपर तक एक अच्छा डिज़ाइन जो यहाँ दिया गया है। दोस्तों एक ग्लास आपको शायद यहाँ पर मिसिंग लग रहा होगा, लेकिन जैसे आप आओगे यहाँ पर लग जाएगा। ये एक्चुअली ये ग्लास जो है ऊपर से गिर गया था ड्यूरिंग पेंटिंग, तो आपको नया लगाकर यहाँ पर मिल जाएगा। फ्रंट पे जो है डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिया गया है, टाइल्स के साथ एक अच्छा फ्रेम यहाँ पर दिया गया है। यहाँ नीचे हमारे पास वाटर टैंक आया था, काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है। कई बार होता है कि पीक की समर्स होती है और हमारे पास पानी की कमी होती है, तो यहाँ पर टैंक जो है हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमारा साथ देने के लिए। और दोस्तों ये हमारा जो है मेन वायर मैश डोर, बहुत ही प्यारा सा डोर है, पॉलिश किया हुआ, साथ में आपके जो ग्लास के साथ डिज़ाइन और वायर मैश। हैंडल काफ़ी अच्छा है, हैवी है, बड़ा सा है, अच्छा दरवाज़ा है। और मेन एंट्रेंस डोर, जी हाँ यार, ऐसे घर के जो ऐसे दरवाजे होना तो मज़ा आ जाता। 8 फुट की हाइट वाकई बड़ी शानदार है, एक अच्छा डिज़ाइन दिया है, पॉलिश ही नहीं है, पॉलिश के साथ एक डिज़ाइन बहुत अच्छा दिया गया है। चलिए अंदर चल कर देखते हैं। घर है जितना हमें बाहर से खूबसूरत लग रहा था उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है जब ये हम अंदर आकर देखते हैं। वाह क्या बात। आप देखिए ड्राइंग और डाइनिंग एरिया जो है हमारा यार 28 फीट की जो इसकी लेंथ रहेगी पूरी, और यहाँ पर जो विड्थ है इसकी ये आपकी अराउंड 11 फीट की रहेगी ड्राइंग एरिया की। और आप देखिए सीलिंग पर क्या काम किया गया है, सीलिंग आपकी जो है पूरी हैवी वर्क यहाँ पर दिया गया है। बीच में जो आपको देख रहे हैं ये सारी वुडन है, ये एक्चुअल में वुडन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुडन का जो डिज़ाइन यहाँ कलर कर दिया गया हो, नहीं। वॉलपेपर बड़ा ही प्यारा सा वॉलपेपर है, यहाँ पर भी आपको कैमरा में भी शायद बहुत मज़ा आ रहा होगा स्क्रीन पर भी। यहाँ पर हमारी खिड़की है जहाँ से हमें बाहर का नज़ारा आता है हमारी सोसाइटी का, और एक साइड पर खिड़की आ जाती है, यहाँ स्टेयर्स है हमारी, और इस तरफ हमारे पास है हमारी किचन। किचन की एंट्रेंस बड़ी खूबसूरत सी है यार, बिल्कुल एक डिज़ाइनर डोर आपका यहाँ पर एंट्रेंस आपको दी गई है, एक अच्छा गेट यहाँ पर दिया गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारी किचन, वाह क्या बात है यार, 11 फीट की किचन आपकी, 11-12 फीट की किचन है, और जो विड्थ रहेगी इसकी आपकी रहेगी अराउंड 6.5 फीट की या 7 फुट की। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आपको सीलिंग पर भी यहाँ मिल जाता है, जितने भी हैं आपको कैबिनेट्स यहाँ पूरे प्रॉपर मिलने वाले हैं। तो ये पूरा अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, किचन का ये डिज़ाइन जो है बिल्कुल कोई कमी नहीं है, प्रॉपर। आपके सामने की तरफ विंडो आ गई, विंडो से हमें बाहर का नज़ारा पूरा आ जाता है पूरी स्ट्रीट का। नीचे सिंक हमारा आ गया, सिंक हमें पूरा भी इंस्टॉल करना है प्रॉपर, और सामने की तरफ दो टैप्स आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे जो है यूटेंसिल्स हम धोकर रख सकते हैं। तो घर पूरा कुल मिला के बड़े अच्छे से डिज़ाइन दिया गया है। हाँ देखिए इस तरफ भी जो है प्रॉपर हमें स्पेस मिल जाती है माइक्रोवेव के लिए, और यहाँ पर जो है हमारा रेफ्रिजरेटर, अगर बड़ा वाला रेफ्रिजरेटर है आपके पास तो इजीली यहाँ पर आ जाएगा। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया गया है किचन के अंदर भी। तो दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये हमारा बेडरूम आ जाता है 15 फीट का बेडरूम। जी हाँ, एक वाकई शाही सा एहसास देने वाला एक बड़ा सा बेडरूम हमारे पास यहाँ पर है। प्रॉपर इसकी डायमेंशन रहेगी 15x13 की, काफ़ी अच्छी। दो टाइल्स जो नीचे लगी हैं हमारी, ये सारी वेट्रीफाई टाइल्स हैं। ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन सीलिंग पर भी, और सामने जो है हमारा टीवी पैनल यहाँ पर भी। ये डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा होता है ना तो मज़ा आता है, लगता है कि हाँ हम किसी शाही घर में रहने आए हैं।
और देखिए जो वॉलपेपर हमारा यहाँ पर दिया है, बड़ा ही शानदार सा वॉलपेपर, बिल्कुल 3D डिज़ाइन है। ऐसा लगता है कि वाकई यार कोई जो लेदर वाला जो कुछ यहाँ पर डिज़ाइन दिया गया है। आप लगाइए आइडिया कि यहाँ पर हमारा बेड लगा हो ये, और क्या स्पेस बचती है यार। 13 फुट हमारे पास यहाँ पर है और 15 फुट यहाँ पर। इजीली बेड लगाने के बाद हम यहाँ पर जो है इजीली अपना जो टेबल चेयर रखना चाहते हैं, अगर आपको नॉवल पढ़ने की आदत है सोने से पहले, तो आसानी से हम यहाँ पर कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमारे पास एक स्पेस आ जाती है हमारी वार्डरोब्स की, और सीलिंग तक की हाइट है हमारी वार्डरोब्स की, काफ़ी अच्छी स्पेस। देखिए अनोखा डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है, इसलिए आपकी जो शर्ट्स हैं ऊपर टांगिए और यहाँ से आप नीचे इसको बुला लीजिए। और नीचे भी काफ़ी अच्छी स्पेस है स्टोर रैक की, और यहाँ पर हमारा मिरर, काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पर दी गई है। दोस्तों यहाँ पर हमारी जो है वॉशरूम, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर लाइट नहीं है वॉशरूम के अंदर, तो वैसे जो है यहाँ पर स्पेस काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल 9 फीट की स्पेस है यहाँ पर, और बिल्कुल टाइल्स जो है ऊपर रूफ सीलिंग की काफ़ी अच्छी हाइट है यहाँ पर जो टाइल्स की। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों अभी जो सैनिटरी है वो लगाई नहीं गई है, तो अब जैसे ही आप आते हैं घर पे रहने के लिए तो सैनिटरी और जो टैप्स है सारे फिट कर दिए जाएंगे। और ये है हमारा वॉशिंग एरिया, अब देखिए क्या साइज़ है यार, क्या स्पेस है वॉशिंग एरिया की, ठीक है, कोई कमी नहीं है वॉशिंग एरिया में, बिल्कुल अच्छा साइज़। यहाँ पर पूरी टाइल्स लगा कर दी गई हैं, बिल्कुल 12 फीट का स्पेस है यहाँ, 12x6 का। और ये जितने भी इंटरनल डोर्स हैं इस घर के सारे पॉलिश किए गए हैं, और 8 फीट के यहाँ पर दरवाजे हैं। सो स्टेयर्स के साथ ना हमारे पास काफ़ी अच्छी स्टोरेज यहाँ पर आ जाती है, क्रॉकरी सेट के लिए कुछ थोड़े से ड्रॉर्स आ जाते हैं, और स्टेयर्स के नीचे भी। और ये हमारी साइड प्रोफाइल में जो खिड़की लगी है शानदार सी, जहाँ से व्यू भी बड़ा शानदार है। स्टेज पे दोस्तों बिल्कुल अपना ग्रेनाइट रहेगा पूरा प्रॉपर, और साथ में जो है हमारी स्टेनलेस स्टील की रेलिंग, और इसके साथ एक ऊपर सनरूफ। जी हाँ, इस घर के अंदर हमें सनरूफ मिलती है, सनरूफ क्या यार मैं इसको मून रूफ भी बोलूँगा, क्योंकि जब फुल मून लाइट होती है ना, टफन ग्लास यहाँ पर लगा हुआ है, फुल मून लाइट होती है, वहाँ से भी जो लाइट है नीचे ब्लू पूरे रूम घर के अंदर आती है, सिर्फ एक जगह नहीं पूरे घर के अंदर। जी हाँ, ऊपर भी हमारे पास जो है खिड़की आ जाती है, ये हमारी छोटी सी लॉबी आ जाती है। डिज़ाइन ऊपर भी वैसे ही पूरा दिया है, कोई कमी नहीं। ये हमारे घर का दोस्तों सेकंड बेडरूम, जो कि हमारा है 13x11 का, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया है। देखिए सीलिंग आपका पूरा डिज़ाइन, पूरे घर में जो सीलिंग है बड़ी शानदार से दी गई है। सामने की तरफ एक खिड़की हर रूम में वेंटिलेशन के लिए, और यहाँ पर जो है हमारे पास एक बड़ा प्यारा सा वॉलपेपर, जो कि पूरे घर के में यार जितने भी वॉलपेपर या डिज़ाइन कलरिंग जो भी हम देख रहे हैं बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया गया है, मैचिंग है सब कुछ, कोई ऐसी चीज़ नहीं लगती कि अलग अलग हो। बड़ा सा टीवी पैनल सोलर के साथ, और यहाँ पर हमारे पास आ गई एक वार्डरोब जो कि सीलिंग तक की हाइट की है, और इसके साथ हमारे पास एक अटैच वॉशरूम जो कि कॉमन भी है। हमारे साथ में एक रूम है, वो भी मैं आपको नज़र दिखा देता हूँ यहाँ से। तो काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पर रहेगी हमारी। अराउंड ये आपका 7 फुट का है, 7x6 का वॉशरूम है, काफ़ी अच्छी स्पेस। और ये हमारा एक छोटा बेडरूम, इस घर का सबसे छोटा बेडरूम, जो कि 9x11 का है, और यहाँ पर भी जो है हमें वार्डरोब मिलती है इस रूम के अंदर भी। तो यार कुल मिला के ना घर के अंदर कहीं पर भी कोई कमी हमें नज़र नहीं आती। और दोस्तों वापस आपको यहीं से ले चलते हैं, आपको सामने की तरफ बालकनी है वो नज़र दिखा देता हूँ, उस पर नज़र लगानी ज़रूरी है। और ये है दोस्तों हमारी बड़ी शानदार सी बालकनी, काफ़ी अच्छी स्पेस है हमारी बालकनी के अंदर। आसपास का जो घर है सारे बने हुए नज़र आते हैं यहाँ से, पूरा डेवलप सा एरिया है। यार घर में ना हर एक चीज़ अगर अच्छी हो तो दिल खुश होता है, और दिल खुश होता है ना तो यार खून बढ़ता है, और खून बढ़ता है तो यार सांसें बढ़ती है, लाइफ बढ़ती है। यही हमें चाहिए होता है कि हमारे अपने घर के अंदर, यही एक रीज़न होता है जिसलिए हम अपना घर हर जगह ढूंढते हैं कि हमारे अपना घर मिल जाए। और दोस्तों ये सेम जैसे हमने नीचे देखा था 15x13 का ये एक
बेडरूम और इस घर का फोर्थ बेडरूम। दोस्तों सीलिंग पे वो काफ़ी अच्छा काम किया गया यहाँ पर भी, जैसे हर बेडरूम में था। और यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी चेंज है जो कि है अलमीराज या वार्डरोब्स। नीचे वाले रूम के अंदर वार्डरोब्स इंक्लूड नहीं थी, वो आपकी जो वॉशिंग एरिया के साथ में थी, वॉशरूम के साथ, तो यहाँ बेडरूम के अंदर इंक्लूड कर दी गई हैं। और सीलिंग तक पूरी ऊपर तक जा रही हैं, स्लाइडर डोर यहाँ पर भी रहेंगे और पूरी प्रॉपर स्पेस के साथ, साथ में लुकिंग मिरर। और यहाँ पर हमारे पास अपना टीवी पैनल, काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन है टीवी पैनल का भी, बड़ा सा टीवी यहाँ पर लगा सकते हैं हम। और दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे पास हमारा वॉशरूम आया था, काफ़ी अच्छी स्पेस है यार, 9 फुट का वॉशरूम है यार, दिल खुश करने वाला वॉशरूम। आप देखिए कलर कितने अच्छे यूज़ किए गए हैं, नीचे और ऊपर पूरे एकदम मैचिंग सा सारा कुछ बना दिया गया है घर को यार, यही होता है, पता लगता है कि कलर कॉम्बिनेशन कितने अच्छे से यूज़ किया गया है। और दोस्तों मैं एक बार फिर से बता दूँ आपको, जो हमारे टैप्स हैं, सैनिटरी है या कुछ भी है, वो आप जैसे आओगे उससे आने से पहले लग जाएगा, पूरा प्रॉपर ब्रांडेड चीज़ हम आपको बना के देंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा घर, 138 गज का, इसे 140 गज भी बोल दिया जाता है। और काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया घर है, कॉर्नर है, टू साइड ओपन है। और दोस्तों रूफ़ पर भी आप जो है यहाँ पर गार्डन बना सकते हो, जैसे बॉम्बे या दिल्ली वाली लोकेशन पे कुछ लोग करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ठोकिए और एक सजेशन ज़रूर दीजिए, और हमारे चैनल को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। इस वादे के साथ मैं आपको फिर मिलूँगा, तब तक के लिए सत श्री अकाल।